शिव की नगरी में शक्ति की पूजा की जा रही है, शक्ति की भक्ति में पूरी काशी डूबी हुई है। काशी के प्रत्येक मंदिरों में यहाँ पर माँ की भक्ति की जा रही है, शक्ति की उपासना की जा रही है। ऐसे में हम वाराणसी के दुर्गा मंदिर में मौजूद हैं। प्राचीन दुर्गा मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है और लगातार भक्त माँ के दरबार में पहुंचकर हाजिरी लगा रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं। यहाँ हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं, हम उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से आज माँ के दरबार में पूजन अर्चन किया गया और आज कौन सी तिथि है। गुरु जी आज कौन सी तिथि? आज सप्तमी तिथि है, भद्रकाली देवी का आज दिन है। किस प्रकार से आज पूजन अर्चन का रहा यहाँ पर? सुबह से ही भोर से ही आरती के बाद से ही भक्तों की भीड़ लगी है यहाँ पे। और जैसे व्यवहारिक जीवन में हम अपनी कोई भी बात मनवाने के लिए माँ से अनुरोध करते हैं या उनसे जिद करते हैं, वैसे ही हम अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ से कहते हैं और माँ उसकी पूर्ति करती है। आज अष्टमी का भी विधान है क्या? नहीं, अष्टमी आज लग रहा है लेकिन चूंकि उदया तिथि में नहीं है, इस वजह से अष्टमी का मान कल होगा और नवमी का भी मान कल ही है। 9 दिन का पाठ किया है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब माता की कृपा है बहुत बहुत। मतलब ये प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे पूजा करके बहुत ही मन को शांति मिलती है। शिव की नगरी में शक्ति की पूजा लगातार जारी है, श्रद्धालु यहाँ बारी बारी से माता के दरबार में पहुँच रहे हैं और पूजन अर्चन करके अपनी माँ के दरबार में अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हाजिरी लगा रहे हैं, सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। तो काशी में नवरात्रि का जोश, उल्लास और उमंग साफ नज़र आ रहा है और लोगों की भक्ति यहाँ पर, शक्ति की भक्ति साफ नजर आ रही है। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस।